आज दिन एक साथ ऐसे गुजरते थे जब मुझे दाल और रोटी की महक नहीं मालूम होती थी कि खाना कैसा होता है आपको ये नहीं पता कि ये दिन कब तक चलेंगे मैं जहां पैदा हुआ था और जैसा पैदा हुआ था वैसा मरने को तैयार नहीं था और फिर जानते हैं क्या हुआ थैंक यू एंड हाउ इज द जोश टू यस अपना जोश जिंदा रखो बिकॉज आपका जोश ही आपको डिफाइन करता है दोस्तों मुझे क्या डिफ़ाइन करता है जानते हैं मुझे डिफाइन करते हैं मेरे ख्वाब मेरे सपने और ऐसे वैसे सपने नहीं कि जो बड़े समझ में आने वाले सपने हों थोड़े से बहके हुए सपने थोड़े से ऐसे सपने कि एक दिन ज़मीन आसमान मिल एक हो जाएंगे एक दिन पत्थर बोल उठेंगे जो पत्थरों में जुबा ढूँढे हम वो चीज़ हैं दोस्त है मर्ज ख्वाब सजाना तो हम मरीज़ हैं दोस्त हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पे हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पे ये बेवकूफ़ियाँ हमको बहुत अजीज़ हैं दोस्त और नसीहतें नहीं सुनते न सबक लेते हैं मैं क्या करूँ कि मेरे ख्वाब बदतमीज़ हैं दोस्त तो दोस्तों ऐसे ही कुछ बदतमीज़ से ख्वाबों की पोटली बना के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक छोटे से किसान का लड़का मुंबई आने के लिए निकलता है मैं अपनी बात कर रहा हूं ज़ाहिर सी बात है हर कोई घबरा गया फैमिली तो छोड़िए गांव वाले भी डर गए कि ये तो पढ़ लिख रहा था अच्छा खासा था पढ़ाई लिखाई में इसे क्या हो गया इसको मुंबई जाना है फिल्मी दुनिया में जाना है और उनका डर अपनी जगह सच भी था लेकिन उससे भी बड़ा एक सच था मेरा सच मैं जहाँ पैदा हुआ था और जैसा पैदा हुआ था वैसा मरने को तैयार नहीं था मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करना था और ये जो कुछ करना है इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो होती है द फेयर ऑफ अन अगर मैं मेडिकल कर रहा होता इंजीनियरिंग कर रहा होता तो मुझे रास्ते पता थे कि ठीक है टेन प्लस टू करूँगा आई आई या सी पी में बैठूंगा पास होऊंगा पास होकर मैं सात साल मेडिकल करूँगा मैं डॉक्टर बन जाऊँगा अब फिल्मों में गाने लिखने हैं मुझे इसका तो कोई मैप है नहीं कोई रूल बुक है नहीं कोई गाइड बुक है नहीं वो भी एक गाँव से आए हुए लड़के के लिए तो डर था लेकिन इस फेयर ऑफ अननोन को जीतने का एक तरीका भी होता है जो मैंने अपने ऊपर आज़माया और मुझे लगता है हर किसी के लिए वॉक करेगा फेयर ऑफ अननोन को जीतने का तरीका है मंत्र है द लीप ऑफ फेथ यानी नदी में कूद जाओ तैरना सीख ही जाओगे तो मैंने यही किया मेरे साथ क्या था मेरे साथ एक बात पक्की थी कि मैं लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार था तो मैं निकल पड़ा वहाँ से और मैं एक किसान का बेटा था तो मुझे एक बात ये भी पता थी कि जो धान की फसल होती है धान के पौधे एक खेत में बोए जाते हैं और दूसरे खेत में बड़े होते हैं कभी ऐसा नहीं होता कि जिस खेत में आपने धान बो दिया वहीं बड़ा भी हो जाए समझ में आ गई थी बात कि जहां आप पैदा हुए हैं उस जगह से अगर आप चिपक के रह गए अगर आप वहीं के होकर रह गए तो शायद आप कहीं के नहीं रह पाएंगे और मुझे ये भी पता था कि पांडव जब तक हस्तिनापुर में थे वो पांडव थे राजकुमार लेकिन जब उनको अज्ञातवास मिल गया तो महाभारत जीत के वापस लौटे मुझे ये भी पता था कि जब तक भगवान राम अयोध्या में थे श्री राम राजा राम थे राजा थे अयोध्या के राम जब उनको वनवास मिला चौदह वर्षों का चौदह वर्ष बाद जब वो वापस लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन चुके थे मेरे लिए भी वक्त आ गया था कि मैं अपना हस्तनापुर अपनी अयोध्या अपनी टहनी अपना गौरीगंज मेरा गाँव वो मैं छोड़ दूँ और मुंबई आ जाऊँ तो दोस्तों मैं मुंबई आ गया सपनों की पोटली लिए और फिर शुरू हुआ स्ट्रगल स्ट्रगल फिल्मी दुनिया का मुंबई का हज़ारों कहानियाँ आपने सुनी हैं उफ मेरे साथ भी था मैं छोड़ के तो चला आया था अपना गांव जहाँ सब ठीक ठाक ही था मतलब एक छोटा सा घर था दो वक्त की रोटी अच्छे से मिल जाती थी बहुत स्पलश करने को पैसे नहीं थे पर कभी भूखे भी नहीं सोए एक स्कूटर था पर उतनी अमीरी काफ़ी थी हमारे लिए कि भाई शुक्ला जी के घर में स्कूटर है अब ये हमने सब कुछ छोड़ के और मुंबई का रुख कर लिया ये सोच के कि सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा महलों में कबूतर रहते हैं मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ एक हिम्मत है तलवार मेरी दो बाजू हैं लश्कर मेरा मेरी टूटी शमशीरों पे तुम्हें आज हंसी आ जाती है कल आँखें धुआँ हो जाएंगी जब देखोगे जौहर मेरा मैं अपना जौहर दिखाने मुंबई आ चुका था और मेरे सामने थे महाकाली केव्स रोड मुंबई के दूर तक फैले हुए फुटपाथ ना कोई जानने वाला ना कोई पहचानने वाला ना कोई ये पूछने वाला बेटा खाना खाया क्या मुझे याद है उन दिनों सात आठ दिन एक साथ ऐसे गुजरते थे जब मुझे दाल और रोटी की महक नहीं मालूम होती थी, थी कि खाना कैसा होता है और सोते कहाँ थे फुटपाथ पे बहुत सारे बेगर्स थे भिखारी थे उन्हीं के साथ दस बारह बिस्तर लगते थे एक फुटपाथ पे तेरहवा चौदहवा मेरा भी लगता था कुछ ऐसे दिन गुजर रहे थे ऐसे दिनों की मुश्किल ये होती है कि आपके सामने कोई टाइम लिमिट नहीं है आपको ये नहीं पता कि ये दिन कब तक चलेंगे ये फुटपाथ आपके नसीब में अगले कुछ महीनों तक लिखे हैं कुछ सालों तक लिखे हैं या जिंदगी भर के लिए लिखे हैं ये बताने वाला तो कोई था नहीं लेकिन अपने पापा के साथ अपने खेतों में टहलते हुए एक बात जरूर सीखी थी पापा मेरे हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा जीवन का एक रूल है कि अगर मिट्टी में तुमने बीज बो दिए तो पौधा आज नहीं तो कल पन अपना ही है मैंने क्या किया जानते हैं मैंने मुंबई की मिट्टी में अपने सपने बो दिए हिसाब हुआ दोस्तों जो उधार मेरा वक्त था वक्त ने वो उधार चुकाया और सूद ब्याज के साथ चुकाया मैं उन फुटपाथों से उठा और सीधे महानायक श्री अमिताभ बच्चन के सामने जा बैठा बच्चन साहब मेरे लाइनें बोल रहे थे मेरे लिखे हुए डायलॉग्स बोल रहे थे और मैं कैमरे के पीछे रो रहा था मुझे कहा गया कि ये क्या है बड़ी बशकाना हरकत कर रहे हो मैंने कहा आप समझ नहीं सकते कि जिनके डायलॉग्स के जिनको पूरी जिंदगी टेलीविजन पे थिएटर पे देख के मेरे पास माँ है जिस जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ आज वो मेरी लाइनें बोल रहे हैं इससे बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में कुछ आ नहीं सकता तो एक सिलसिला शुरू हो गया रियलिटी शोज़ लिखने का वो गौरीगंज के एक किसान का बेटा अब लाइफ में क्या कर रहा था जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े रियलिटी शोज़ हैं वो मैं लिख रहा था बहुत लंबी लिस्ट है के झलक दिखला जा नश बलिए इंडिया गॉट टैलेंट इंडियन आइडल सारे गामापा जो भी आप नाम ले सकते हैं दुनिया की नज़र में मैं कामयाब हो चुका था यह सिर्फ मनोज को अंदर से पता था कि यार ये वो मंजिल तो नहीं है जहाँ आने के लिए हमने अपना बस्ता पैक किया था आज से कुछ बरस पहले हमें तो गाने लिखने थे हम तो सिनेमा के लिए काम करने आए थे हम तो साहिर के गाने सुन के आए थे कि एक दिन हम भी नगमे लिखेंगे गीत लिखेंगे ये क्या हो गया हमारे साथ ऐसा कब हो गया कि हमने अपने सपने और अपनी शायरी ईएमआई की भेंट चढ़ा दी कुछ खटकता था अंदर से और फिर जानते हैं क्या हुआ एक ऐसे वक्त में जब मेरी कीमत लाखों में लगाई जा रही थी रोज़ की एक दिन टेलीविज़न पे काम करके मैं एक अच्छा खासा हेफ्टी चेक लेके घर पहुंच सकता था जब मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन बहुत सारा प्रेशर घर परिवार की ज़िम्मेदारियाँ ई सब कुछ थी एक दिन अचानक मैंने टेलीविज़न छोड़ दिया ये कमाल है कि जब ज़िंदगी की गाड़ी फुल रफ्तार में दौड़ने लगी तो हम चलती हुई गाड़ी से कूद गए और क्यों कूद गए इसलिए कूद गए कि हमें इस गाड़ी में हमने पंद्रह साल गुजार दिए इससे ज़्यादा यहाँ हमें रहना नहीं चाहिए था कुछ नया जो आपके ओरिजिनल सपने थे उनको पूरा करना है गाने लिखने हैं खैर गाड़ी से कूद गए तो अब जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से मुश्किलों का सिलसिला शुरू होना था फिर से वो प्रेशर वो दबाव वो हालात का डर कि आप कहाँ जाएंगे आप क्या करेंगे लेकिन होता क्या है कि जब आप ऐसा कोई फ़ैसला कर लेते हैं मैंने पहले भी लीप ऑफ फेथ के बारे में एक बात कही थी जब आप ऐसा कुछ कर लेते हैं तो पूरी की पूरी कुदरत पूरी की पूरी कायनात वो मिलजुल के आपका साथ देने लगती है आपका सपोर्ट करने लगती है रातों रात तो कुछ नहीं हुआ कुछ साल गुजर गए पर कुछ साल गुजरने के बाद गलियाँ हुआ एक दिन यूं ही अचानक मैंने अपने आप को एक अलग से लाइन लाइट में पाया और मैंने देखा कि मेरा गाना इस देश का सबसे बड़ा हिट गाना है साल का चार्ट्स पर रूल कर रहा है ऐसा कोई गली मोहल्ला पूछा नहीं है ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ मेरा गाना नहीं बज रहा खुश था मैं कि जिस रिस्क को ये समझ के लिया था कि पता नहीं इसकी आगे मंजिल कहाँ है कहीं पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे वो रिस्क कामयाब हुआ फिल्मों के गाने लिखने शुरू किए और इस तरह से लिखे कि अगले कुछ सालों में सैकड़ों फिल्मों के गाने लिख डाले गए और चार्ट्स पे हम हमारे गाने रूल करते रहे ये सब कुछ मुमकिन हुआ इसलिए क्योंकि चलती हुई गाड़ी से उतरने का जोखिम जो था वो मैंने ले लिया था मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं पूरी ज़िंदगी वैसे ही गुजार दूँ जैसे आराम से चल रही थी कुछ अपने कम्फर्ट जोन में कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी बट आई चेंज्ड आई टुक दैट रिस्क और आज जब मैं सोचता हूँ आई लुक बैक तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है या फिर ये कह लें कि एक थ्योरी मेरे दिमाग में आती है कि सुपरमैन हवा में उड़ सकता था हनुमान जी हवा में उड़ते थे आप क्या कर सकते हैं जवाब ये आएगा आपका कि भाई वो तो सुपर हीरोज़ हैं हम नहीं हैं लेकिन दोस्त ग़लती जो है ना वो इंसान से होती है कभी कुदरत से नहीं होती ज़रूर उसको इस दुनिया में कुछ बदलना था हमारे ज़रिए कुछ बदलना था तो उसने हमें बना के प्रोग्राम करके हमें यहाँ भेजा और ऐसे खाली हाथ नहीं भेजा हमें भी एक सुपर पावर दिया बस कमाल ये है कि हम में से कुछ लोगों ने वो सुपर पावर पहचान लिया फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी सचिन तेंदुलकर ये वो लोग हैं बहुत लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने अपना सुपर पावर पहचान लिया लेकिन वो लिस्ट जिन्होंने अपना सुपर पावर नहीं पहचाना वो और भी ज़्यादा लंबी है बदकिस्मती से मैं उनके नाम आपको नहीं गिना पाऊंगा क्योंकि उन लोगों ने नाम पैदा ही नहीं किया डिसाइड करना है आपको कि आप कौन सी लिस्ट में रहना चाहते हैं वो स्टीव जॉब सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े नामों वाली या फिर गुमनामों नामों वाली और जब एक दिन आप ये तय कर लेते हैं डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हमें तो पहली लिस्ट में रहना है तो पता है इसके बाद आपको करना क्या है इसके बाद आपको अपना सुपर पावर ढूंढना है मैं ये टॉक ख़त्म करूंगा यहाँ से चला जाऊंगा मैं चाहता हूँ आप मुझे भूल जाएं मेरी सारी बातें भूल जाएं लेकिन सिर्फ एक बात याद रखें सिर्फ दो शब्द याद रखें सपने और सुपर पावर सपने जो आप देखते हैं और उनको पूरा करने का सुपर पावर जो आपके ही अंदर है ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आँखें तेरी आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आँखें तेरी आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी आज तेरी मुठ्ठियों में रेत है तो क्या हुआ इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें